नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज में। अतिक्रमण हटाओ का मेगा अभियान चल रहा है और ये जो है अभियान ये पटना के DM कुमार रवि के दिशा निर्देश पर चल रहा है। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से आज पटना प्लेनेटेरियम के सामने जो दुकानें जो थी, जो मार्केट था, उसको तोड़ा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरह से JCB जो है वो अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत दुकान के आगे के जो शटर हैं, जो होर्डिंग्स है, उसको तोड़ रही है। और आदित्य विजन जो कि पटना प्लेनेटेरियम के सामने स्थित है, उसके होर्डिंग्स को भी तोड़ दिया गया है। जिस तरह से आदित्य विजन के सामने जो अलग अलग कंपनीज के होर्डिंग्स लगे हुए थे, तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से उन होर्डिंग्स को तोड़ दिया गया है इस अभियान के अंतर्गत। हमारे साथ आदित्य विजन के कुछ कर्मचारी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि आदित्य विजन शोरूम में अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ बातें हैं अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत जो तोड़ा गया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? हम कहने का मतलब ये है कि बोर्डिंग ये सब हटाया वो ठीक है, लेकिन इसमें 5-10 आदमी जो कर्मचारी है जो इसके अंदर अभी भी है, ठीक है। शटर अभी देख लीजिए, पूरे छज्जा और सब हटा के उसको दाब दिया गया है, ये अब नहीं खुलेगा। नहीं खुलने के कारण वो लोग को कैसे निकालेगा, इसके लिए सरकार कोई जवाब नहीं है। इसमें प्रसारण कोई नहीं लेना है, प्रसारण इसमें नहीं देखा है कि पहले 10 आदमी को निकाला जाए उसके बाद तोड़ा जाए। तो इसमें देखिए कि उस तरह से अभी लोग फंसे हुए हैं बहुत। प्रशासन जब ये अतिक्रमण हटाओ अभियान कर रहा था तो आपने प्रशासन को ये बात कही कि अंदर बताया उसको छजा माना किया है, आदमी अंदर में फंसा हुआ, हम लोग बोले नहीं सुना, तोड़ते चल गया। अभी फंसा हुआ है वो लोग अंदर, लोग अभी खुलेगा नहीं, अब दूध खुलेगा नहीं। सेटर प्रशासनिक कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे जिनसे आपने शिकायत की? सब कोई था, सब हेड से लेके छोटा बड़ा सब कोई था, जितना सब लोग को हम लोग बोलते गए सर आदमी फंसा हुआ है, रुक जाइए रुक जाइए, निकल जाना। कस्टमर भी नहीं माना, कस्टमर तो चढ़ गई है, कस्टमर भी फंसा हुआ, देख लीजिए टेढ़ा हो गया शटर, कैसे निकलेंगे शटर ये पूरा। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये आदित्य विजन के शटर को जो तोड़ा गया है, जो अतिक्रमण हटाया गया है, उसके दौरान जो शटर पे जो टूट गया है शटर, जिस वजह से शटर ये खुल नहीं सकता है। और यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आदित्य विजन के अंदर कस्टमर्स भी फंसे हुए हैं और कर्मचारी भी फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से इन्होंने ये बात कही कि अंदर कस्टमर फंसे हैं और कर्मचारी फंसे, लेकिन इनका ये आरोप है कि कर्मचारी जो थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने इनकी बात को अनसुना कर दिया और अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार करते रहे। और इस वक्त आदित्य विजन के अंदर आदित्य विजन के कर्मचारी और कस्टमर भी फंसे हुए हैं। तो ये आदित्य विजन है जो पहले काफ़ी जगमगाता था और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान के अंतर्गत इसे तोड़ दिया गया है। बाहर जो इसके होर्डिंग्स लगे हुए थे उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक जो पदाधिकारी जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान को जो निर्देशित कर रहे थे, उनकी बेरुखी इस बात से लगती है कि यहाँ के कर्मचारी ये बात कह रहे थे कि अंदर में आदित्य विजन के कर्मचारी मौजूद हैं और कस्टमर्स भी मौजूद हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी है। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में आदित्य विजन के ही जो कर्मचारी हैं वो जो टूटे हुए होर्डिंग्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। जी बताइएगा लगभग कितने लोग अंदर मौजूद हैं, कुछ बताइएगा? लगभग 1-2-3 लोग मौजूद हैं अंदर जिनको मना किया गया, फिर भी उन्होंने तकरीबन यहाँ से हटा दिया और तोड़ फोड़ दिया दुकान। पहले आप देखेंगे कितना अच्छा था हमारा दुकान और सबको तोड़ फिर बराबर कर दिया गया है, प्लस जो बेचारे एम्प्लॉय हैं उन लोगों को भी दिक्कत होगा। कर्मचारी अंदर अभी इस वक्त मौजूद हैं? कितने कर्मचारी अंदर मौजूद हैं? अप्रोक्स 10 कर्मचारी अंदर मौजूद हैं। और कितने कस्टमर्स मौजूद हैं? और कस्टमर्स 1-2 थे, कस्टमर को वो वाले में थे तो उन लोगों को निकाल लिया गया, बस हमारे एम्प्लॉय ही हैं जो अंदर हैं। 1-2 कस्टमर इसमें हैं, 1-2 कस्टमर अंदर। जो कस्टमर्स और जो कर्मचारी आपके अंदर हैं आपने उनको निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी बस साफ सफाई अभियान जारी है। क्या शटर खुलेगा? शटर कैसे खुलेगा, आप देख ही रहे हैं टूट गया तो शटर कहाँ से खुलेगा? आइए हमारे मैनेजर साहब हैं। लाइन का भी इशू है क्योंकि बिजली तक हम सब नहीं काटे थे, अचानक से तोड़वा दिया गया, बहुत दिक्कत हो रहा है। मेन बात है कि शटर कहीं अंदर आदमी तो नहीं है, ये भी कंफर्म अभी नहीं हो पा रहा है। इस दुकान में था तो इस दुकान से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन इस दुकान वाला पता नहीं चला। लेकिन आप ही के साथी लोग बोल रहे हैं कि अंदर कर्मचारी मौजूद हैं? हैं, वही तो कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है क्योंकि अंदर अभी लाइट तो पहले कटवाएं इस दुकान खुलवा के, इधर वाला कंफर्म अभी भी नहीं है। अभी कंफर्म नहीं है? नहीं है। तो ये बात मानी जाए कि अंदर लोग हैं या फिर ये बात मे भी हो भी सकते हैं क्योंकि 2-3 आदमी दिख भी नहीं रहे हैं और उनके पास कोई कांटेक्ट भी नहीं है कि हम कॉल कर पाएं।
चलिए, तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि आदित्य विजन के जो दो दुकानें थी, एक दुकान को तो तोड़ दिया गया और उससे लोगों को निकाल दिया गया, लेकिन आदित्य विजन का जो यहाँ का जो हेड ऑफिस है, जो कि पटना प्लेनेटेरियम के सामने है, इसमें अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं, ऐसा यहाँ के आदित्य विजन के मैनेजर का कहना है। और ये बात वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग जो अंदर मौजूद हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान किया जा रहा है कुमार रवि के दिशा निर्देश पर, लेकिन जिस तरह से ये अभियान किया जा रहा है, इससे पटना वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ आदित्य विजन के जो कर्मचारी हैं वो लगातार अंदर फंसे हुए कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर ज़रूर जाएं।